मतगणना से पूर्व एक दिन पहले शहर कांग्रेस कमेटी ने बैठक कर अपने कार्यकर्ताओं को मतगणना स्थल पर डटे रहने का निर्णय लिया है। इस बैठक में कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला ने भी शिरकत की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि आने वाले चुनाव परिणाम में निश्चित तौर पर जीत दर्ज कराएंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी भी अपनी जीत के लिए आश्वस्त नजर आए। जी, अभी वो जो फॉर्मल जो एक ट्रेनिंग देनी होती है, जो अंदर जो लोग बैठेंगे उसमें मैं शामिल हुआ। मेरे लिए भी पहला टाइम था देखने का कि कैसे पूरी प्रक्रिया होती है चुनाव के पूरे काउंटिंग की। तो बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया प्रक्रिया है जिस तरह से गवर्नमेंट चलाती है इसको, तो उसी में भाग लेके मैं भी अभी आ रहा हूँ और अब बस कल का इंतजार कर रहे हैं आपकी तरह। क्या रहेगा कल, इतनी उम्मीद है? नहीं देखिए, अब आप 24 घंटे रह गए रिजल्ट आने को। रिजल्ट आपके सामने होगा, मेरे सामने होगा। आपके बोलने से, मेरे बोलने से, एग्जिट पोल के बोलने से, किसी के बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो जनता ने जिसको वोट किया है, जनता जो चाहेगी वही होगा कल को, और जो भी जनता चाहेगी वो ठीक ही होगा। मीटिंग में किस तरह का डिस्कशन हुआ? मीटिंग में डिस्कशन यही रहा कि भी किस तरह से सतर्क रह के काउंटिंग करनी चाहिए, कैसे इस बार काउंटिंग भी थोड़े लेट तक चलेगी क्योंकि वीवीपैट भी काउंट करने होंगे साथ में, तो सारे लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तो कैसे हौसले के साथ ज़्यादा पूरा विजिलेंट रह के कैसे सबकी काउंटिंग में सारे हमारे कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो कैसे भाग लें, इस पर मीटिंग में चर्चा रही सारी। आज तो हमारे जो है यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला साहब अजमेर आए और कार्यकर्ताओं से एक मुलाकात है, और कल जो वहाँ जो काउंटिंग होगी पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को आज जो है हम उनको समझाएंगे किस तरह से अपने को काउंटिंग करनी है, किस तरह से वोटों को गिनने के बाद अगर कोई गड़बड़ी हो तो किस तरह से अपने को शिकायत करनी है, इन सब चीज़ों के बारे में समझाने के लिए कार्यकर्ताओं से एक शिष्टाचार मुलाकात है, और कल की तैयारी के लिए जो है निश्चित तौर पर जो है हमारे वहाँ जीत हासिल होगी हमें, और उसके लिए जो है हम कार्यकर्ता बिल्कुल सजग हैं और कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह भी है क्योंकि कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और जनता का जो हमें समर्थन मिला है, चाहे एग्जैक्ट बोल कुछ भी बोलता हो लेकिन जनता ने हमें समर्थन दिया और हम निश्चित तौर पर अजमेर की सीट भी जीतेंगे। किसी तरह का कोई अंदेशा है? कोई अंदेशा नहीं है, निश्चित तौर पर जीतेंगे मैं बोल रहा हूँ। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।